बन गई जय और टीना की जोड़ी। नया सीरियल, नई कहानी। टीना दत्ता बनी सुरीली, जय भानुशाली बने शिवेंद्र। एक है नखरीली तो एक है प्रिंस। जी हाँ, सोनी टीवी पर जल्द ही आने वाला है नया सीरियल जिसका नाम है हम रहें या ना रहें, जिसका हाल ही में हुआ लॉन्च। और इस लॉन्च के मौके पर सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सुरीली और शिवेंद्र से मिलने, जानने इनके किरदार और कहानी के बारे में। तो आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं टीना दत्ता से, जो अपने किरदार में ढलने की तैयारी कर रही है, खुद ही अपना मेकअप करती है। इनका किरदार बहुत ही चुलबुला है, बिल्कुल टीना के जैसे। एक नया दिन और एक नई शुरुआत, और आज हमारे साथ है सुरीली यानी कि टीना, जो कि अपने कैरेक्टर में ढलने की शुरुआत कर चुकी है। सो पहले सबसे तो टीना से ही जानते हैं कि ये जो कैरेक्टर है जहाँ वो टीना से अब सुरीली बनने वाली हैं, इसकी किस तरह से शुरुआत करती हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सो वेलकम टू उमरगांव। कैरेक्टर की शुरुआत जो है टीना से सुरीली बनने का, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि जो टीना रियल लाइफ में है वैसे ही सुरीली भी रियल लाइफ में है। सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट, की बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा मेकअप भी ऑलमोस्ट हो चुका है, यू नो, थोड़ा सा मस्कारा बस लगाना है एंड दैट्स इट। मतलब इट्स लाइक अ कंप्लीट नो मेकअप लुक, बिकॉज उसके पास टाइम ही नहीं होता है तैयार होने का या सजने संवरने का, ऐसे हाथ जुड़ा करके छोड़ देती है मेसी बन एंड दैट्स इट। सो या बहुत ज़्यादा मेहनत का काम ही नहीं है, सो इट्स फन। पर ऐसे में टीना किस तरह से अपने स्किन को प्रेप करने की शुरुआत करती हैं, आप क्या लगाती हैं? मैं मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा करती हूँ, भावना ये वाला, मैं मॉइस्चराइज बहुत ज़्यादा करती हूँ बिकॉज आई हैव अ ड्राई स्किन प्रॉब्लम। तो मैं बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज करके शुरुआत करती हूँ एंड उसके बाद हल्का सा सिर्फ बेस लगाती हूँ, बहुत ना के बराबर, ताकि वो जो थोड़ा सा पैचेस होते हैं वो ऑन कैमरा थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है एंड या दैट्स इट। लिटिल बिट ऑफ मस्कारा, लिटिल बिट ऑफ लैशेज, मतलब नो लैशेज वाला लुक जो कि विजिबल नहीं हो वैसा। ऐसे में हम देख रहे हैं कि आपके बाल को भी काफ़ी अच्छे से संवारा जा रहा है। जी ये भावना अभी टोंग कर रही है और थोड़े टाइम के बाद इसको पूरा खुला खोल दिया जाएगा। सो इट्स लाइक जैसे आप सो के उठते हैं तो कैसे एकदम से आपका ना स्ट्रेट रहता है ना कर्ल्स रहता है वाला जोन है, तो वैसा वाला हेयर का लुक है हमारा यहाँ पे। सो या दैट्स इट, सिंपल सा। जी हाँ, टीना का मेकअप बहुत ही नेचुरल है और इन्हें मेकअप करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सो दिस इज हाउ आई स्टार्ट। थोड़ा सा मैं स्टूडियो फिक्स लगाती हूँ। थोड़ा सा अंडर आईज कवर करने के लिए। एंड उसके ऊपर थोड़ा सा कवर कवर कवर, थोड़ी सी कंटोरिंग, हल्का सा हम आज हाइलाइटर भी लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट टू एनहांस द कंटोरिंग, दिस इज द नॉर्मल ट्रांसपेरेंट वन जो कि किसी भी स्किन टोन के साथ चला जाता है। दिस इज एक्चुअली फॉर माई बॉडी। होम रेमेडीज में मैं देसी नुस्खे ही यूज करती हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। मैं बहुत ज़्यादा फेशियल एंड ऑल ऑफ दैट इन सब में बिलीव नहीं करती हूँ। सो आई प्रेफर कि जितना घर का सामान से, जो दादी के नुस्खे नहीं होते थे वैसे चीज़ों पे मैं बिलीव करती हूँ। सो इट्स लाइक माई गो टू थिंग। आई टेक शावर, व्हेन आई टेक शावर आई यूज़ व्हाट यू कॉल दैट, दूध और हनी और कॉफ़ी इन सब चीज़ों का एक ब्लेंड बना के उससे नहाती हूँ। आई ट्राई टू, अभी उमरगांव में है तो बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा है। एंड या लाइक ऑरेंज अगर आप खाते हैं तो उसके छिलके यूज़ कर सकते हैं, बनाना यूज़ कर सकते हैं, दूध दही कॉफ़ी हनी इन सब का एक मिक्स बना के वो भी अब लगा सकते हैं।
दिस वॉज द फिक्सर टू फिक्स योर मेकअप सो दैट इट लास्ट यू द एंटायर डे. अभी ये इवेपोरेट हो जाता है. टूडल्स. भाई टीना दत्ता झटपट तैयार हो गई है सुरीली के अंदाज में. वैसे बता दे कि सीरियल की शूटिंग उमरगांव में होती है जो मुंबई से काफी दूर है, जिसके चलते सितारों को वहीं रुकना पड़ता है और ऐसे में वहां का मेकअप रूम ही बन जाता है उनका घरौंदा. तो आइए करते हैं टीना दत्ता के मेकअप रूम की सैर और जानते हैं कि वो क्या क्या खास रखती है अपने मेकअप रूम में. मैं हमेशा से ये मानती हूँ जब घर से दूर होते हैं तो, और घर से दूर जब नहीं भी होते, जब मैं बॉम्बे में शूट करती हूँ, आप लोगों ने हमेशा देखा भी होगा कि हाउ नाइसली यू नो मैंने हमेशा अपने मेकअप रूम के सजा के रखती हूँ. बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि दिन में 12-14 घंटा हम इधर ही सेट पे होते हैं, सो इट शुड ऑल बी नाइस एंड घर जैसा फील होना चाहिए. सो दिस इज़ माई वैनिटी और यहाँ पे मेरे थोड़े परफ्यूम का सेक्शन है. मैं कैंडल लवर तो हमेशा कैंडल तो होता ही है बाय डिफॉल्ट. एंड सुरीली का जो लुक है और किरदार है उसमें बहुत ज़्यादा मेकअप तो है नहीं, तो मेरा मेकअप यहाँ पे शुरू होता है और यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है. मैं बाहर ही रखती हूँ ताकि इट सेव्स अ लॉट ऑफ माय टाइम. जस्ट लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम. तो ये मेरा सनस्क्रीन है एंड जैसे कि मैंने पहले दिखाया ये मेरा लिक्विड बेस है. ये मैं भगवान जी को इधर चिपका के रखी हूँ ताकि हमेशा उनका आशीर्वाद बनाए रहे. एंड नॉट मच ऑफ कंटोरिंग. ये मेरा आई शेडो पैलेट है एंड ये मेरा ब्लेंडर है. इट्स वेरी क्यूट नो पिंकी पिंकू एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ पिंक इन माय मेकअप रूम सो डोंट जज मी फॉर दैट. एंड या ये मेरा आईब्राउ का है एंड ये मेरे मस्कारा. आई हैव टू हजमोलाज ऑल्सो. कभी कभी वो कुछ चॉकलेटी खाने का मन करता है तो फॉर दैट. एंड जिसमें बहुत सारे पाउचेज है, अलग अलग पाउचेज में अलग अलग चीज़ें हैं. एंड इसमें कुछ बाकी के ब्लेंडर्स पड़े हैं एंड आई शेडोज एंड दैट्स इट. ये डिफरेंट डिफरेंट पाउचेज है एंड ये मेरा स्पीकर है बिकॉज जब मैं सुबह आती हूँ तो मुझे गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है. सो दैट्स माई स्पीकर एंड दैट्स माई कॉफ़ी मेकर एंड आई एम अ लवर फॉर कॉफ़ी. जैसे कि आप पूरा टाइम देख सकते हैं मेरे हाथ में कॉफ़ी मग तो हमेशा होता है बाई डिफॉल्ट एंड दैट्स माई कॉफ़ी मग. सो आई नीड टू सिप ऑन माई कॉफ़ी. दैट्स माई मिनी फ्रिज जिसमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ तो है नहीं, बट या कभी कभी थम्सअप होता है अभी पानी के बॉटल से बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड आई ऑलवेज लाइक टू हैव ठंडा पानी. एंड दैट्स माई फूड बास्केट एंड दैट्स इट. यूजली इट्स वेरी हेल्दी स्नैक्स जो कि ये मुझे कल पम्मी मासी ने दिया है. डेट्स लाई थी वो मेरे लिए एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ मखाना. यू विल सी किनोआ पफ जो कि हेल्दी होता है. दिस इज़ लाइक बेक्ड आलू का समथिंग समथिंग चिप्स है विच इज़ विदाउट ऑयल एंड स्टफ लाइक दैट. यू विल हैव सम पामियर्स. आई लव दिस बिस्किट्स एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ डाइट वाला चिकपी पॉप्ड चिप्स. ये मैंने अभी तक खाया नहीं है बट आई एम श्योर इट्स गोना बी नाइस. सो या सम ड्राई फ्रूट्स आर ऑल्सो देयर एंड समटाइम्स थोड़े से कम हेल्दी वाली चीज़ें भी मैं खाती हूँ विच इज़ कुकीज़. जब बहुत ज़्यादा स्वीट टूथ या स्वीट की क्रेविंग होती है कुछ मीठा खाने का बिकॉज यहाँ पे आप को नहीं मिलेगा बहुत अच्छे डिजर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो दिस इज़ लाइक दिस एक्ट्स एज अ सेवियर बिकॉज इट्स रियली नाइस एंड मेल्ट्स इन माउथ एंड इट्स यम्मी. सो या दैट्स ऑल अबाउट इट. माय रूम हैज़ टू लुक फ्रेश फील फ्रेश. ये बेडशीट भी मैं खुद ही चेंज करती रहती हूँ एवरी 2-3 डेज. आई हैव माय मिनी ब्लैंकेट जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. दिस आई गॉट फ्रॉम US विक्टोरिया सीक्रेट का एंड ये मेरा बैग इधर ही पड़ा रहता है एंड सम फ्लावर्स बिकॉज इट जस्ट गिव्स अ वेरी रिफ्रेशिंग वाइब. आई विल हैव टू गेट रेडी फॉर माई शूट एंड दिस इज सुरीली के कपड़े. तो आज मैं ये वाले कपड़े पहनने वाली हूँ एंड या लेट्स गेट रेडी लेट्स गेट स्टार्टेड. टीना दत्ता सुरीली बनकर पहुँच गई हैं सीरियल के लॉन्च पर, जहाँ पर मीडिया के लिए फिल्माया गया है एक स्किट और बताया गया है सुरीली का अंदाज और कैसे होती है सुरीली और शिवेंद्र की मुलाकात. हाय मॉर्निंग, वेलकम टू ग्रामोफोन कैफे. क्या लेंगे आप? कैन आई गेट अ टी कप प्लीज? श्योर, डिसअपॉइंट नहीं हो गया. हम हमारी कॉफी बीन्स खुद रोस्ट करते हैं सिंस 1978. वाओ, सिंस 1978. ये हेरिटेज कैफे हो गया. काफी अच्छा मेंटेन करके रखा है आपने.
मॉम डैड का प्यार मेरे लिए कैफे। Here you go, 120 bucks only. Thank you. Enjoy your coffee. नो प्रॉब्लम, एक सेकंड, अब जीपे है ना? Here you go. हम जीपे नहीं। Really? No जीपे? मैसेजेस भेजती कि आज भी चिट्ठियों से काम चला लेते। It's okay. Listen, you can enjoy your coffee. वैसे भी ये कैफे मेरा है। I am coffee, coffee rich. हमें ना पैसे देंगे। काफी, कॉफी, काफी कॉफी रिच। Listen, एक और बार हमारे कैफे में आ जाइएगा, एक कप डी कैफ ऑर्डर कर देना और तब पे कर देना। Just enjoy. Chill. Sure. Absolutely. Enjoy. Thank you. पहुँच चुके हैं ग्रामोफोन कैफ़े और ये मैं सुरीली हूँ और ये मेरा कैफ़े है, ये मेरा ग्रामोफोन है जो कि मेरे साथ है 1978 से। ये मेरा ब्यूटीफुल कैफ़े है, ऊपर सारे मेन्यू हैं जो कि आप चेक कर सकते हैं एंड आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स माय कॉफ़ी मशीन, दैट्स माय कॉफ़ी मग एंड ये सेटअप अभी थोड़ा सा हिला हुआ है, बट दिस इज़ द एंटायर कैफ़े एंड द लुक एंड फील ऑफ़ द कैफ़े। सो प्लीज़ आना मत भूलिए, हम रहे ना रहे हम के ग्रामोफोन कैफ़े में मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सिर्फ और सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न पर। छोटी छोटी चीज़ें, एज इन दिस इज़ माई ग्रामोफोन जो कि मॉम डैड की निशानी है, प्यार की निशानी है सिंस 1978। दीज आर द कुकीज़ जो सुरीली बेक करती है अपने कैफ़े के लिए, ये सारे पेस्ट्रीज़ है जो हर कैफ़े में होता है तो ग्रामोफोन कैफ़े में है जो कि सुरीली बेक करती है। दिस इज़ द कॉफ़ी मशीन, दीज आर हर कॉफ़ी मग्स एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। ये सारे पिक्चर्स सुरीली के मॉम डैड के हैं, सुरीली और साशा के हैं, फैमिली पिक्चर्स है, सुरीली के मॉम डैड रहे नहीं हैं एंड या बिकॉज आई रियली लव द कैरेक्टर, द वाइब ऑफ द कैरेक्टर एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली रियली पर्सनली वॉन्टेड टू डू एंड दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मेक माई सोल हैप्पी। सो आई लव द कैरेक्टर, सो दैट इज़ बेसिकली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न फॉर मी टू से येस टू द कैरेक्टर। हम काम के लिए तो अब्रॉड जाते ही रहते हैं, हम काम के लिए कैलकटा से बॉम्बे में तो आए हैं, तो अगर बॉम्बे से उमरगांव जाना पड़े तो उसमें क्या ही दिक्कत है। काम है, इज्जत करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, अच्छा काम करना है तो अगर आज कोई आपको बोले कि हाँ लंदन में शूट करना है तो हम हैप्पीली बैक पैक करके चले जा सकते हैं, बट उमरगांव बोले तो वो नाम से ही क्यों हिचकिचाहट होना है कि अच्छा उमरगांव में शूट करने जाना है। आई एम तो वेरी कम्फर्टेबल एंड वेरी हैप्पी शूटिंग ओवर हियर। सारे कोस्टर्स बहुत अमेजिंग हैं, आउटस्टैंडिंग हैं, इंडिविजुअल एवरी वन ऑफ देम इज़ आउटस्टैंडिंग टू वर्क विथ एंड आई पर्सनली रियली एंजॉय वर्किंग विथ ऑल ऑफ देम। ऑल द ब्रदर्स आर आउटस्टैंडिंग, साशा जो मेरी बहन बनी है, मेरी मासी, पम्मी मासी, एवरी वन इज़ अ डिलाइट टू वर्क विथ एंड दे हैव सच पॉजिटिव एंड अमेजिंग अप्रोच टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स द शो। या इट वॉज अ मिड वे एक्चुअली, ऑफकोर्स there were a couple of workshops that happened, couple of briefings, couple of creative meetings, couple of meetings with the producers. So definitely, yeah, once you get a clarity on the character and the hang of the character and you understand the character, that's when you say yes to the character. बहुत ज़्यादा similarities है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, you know, she is very hardworking, upfront, looks after everyone, looks after people. She believes in being independent, so yeah, all those similarities are there for sure. It's a very different character, जो कि आप अभी देख भी सकते हैं। It's not those typical सास बहु किचन ड्रामा या supernatural series जो कि आप देखते रहते हैं हमेशा। It's a very modern character, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। जो मेरा look also है, overall the look and the feel of the show is very very different, very very modern, very very upfront, very very challenging. क्योंकि ये लड़की बदलाव में बिलीव करती है, सो डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर, इट्स नॉट लाइक दोज टिपिकल सास बहू सागा, सो यू डेफिनेटली गोना एंजॉय इट। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू वॉच सास बहू, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू वॉच हम रहे ना रहे हम मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। थैंक यू। भाई सुरीली एक आम लड़की है, अपनी शर्तों पर जीती है, अपना काम खुद करती है, लेकिन शिवेंद्र जिसका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।